वेलकम है स्टूडेंट्स, आपको अपनी ही चैनल स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन में। तो कल जेएंड के गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर आउट किया था, जिस ऑर्डर में जेएंड के गवर्नमेंट ने मेंशन किया था कि हम सारे स्कूल्स अप टू 12th क्लास के सारे स्कूल्स बंद कर देंगे 9th क्लास तक के 2 वीक्स तक, एंड 10th 11th एंड 12th क्लास तक के 1 वीक के लिए हम स्कूल्स बंद कर देंगे जेएंडके में। एंड इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड्स में अराइज होते हैं कि जो एग्जाम्स है क्या वो भी पोस्टपोन हो सकते हैं या नहीं। उसके लिए मैं आपको सारी अपडेट इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। एंड कुछ मतलब डिस्ट्रिक्ट्स ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन आउट की है, कब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्या ये क्लासेस ज़रूरी देने हैं, अगर कोई स्टूडेंट नहीं देगा तो उसके लिए क्या होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पे आपको एजुकेशन एंड जॉब्स रिलेटेड जेन्युइन अपडेट जेन्युइन नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहते हैं। तो चलो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कल का ऑफिशियल ऑर्डर है। तो चलो इस ऑर्डर में हम देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन के रिलेटेड क्या कहा गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एग्जाम्स फॉर क्लासेस 10th एंड 12th शैल बी हेल्ड एज पर देयर शेड्यूल। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो 10th एंड 12th के एग्जाम्स हैं वो एज पर शेड्यूल कंडक्ट करवाए जाएंगे। मगर यहाँ पे मैं कुछ और भी एक्सप्लेन करूँगा, और जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं या जम्मू यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं या किसी भी बोर्ड के एग्जामिनेशन है उस रिलेटेड क्या अपडेट है वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाऊँगा। तो अगर कोई भी एग्ज़ाम है, किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में कोई भी कोविड-19 का केस निकलता है तो उस सेंटर का एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिया जाएगा फॉर सम डेज, कुछ दिन तक वो उस सेंटर का जो एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। एंड उन स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट एग्जाम पेपर बनाया जाएगा और उन स्टूडेंट्स को फिर सेपरेटली एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। मगर यहाँ पे बोला गया है कि अभी हम कोई भी एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं करेंगे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर किसी एग्जामिनेशन सेंटर में कोई कोविड-19 का केस निकलता है सिर्फ उस सेंटर का एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी कोई भी एग्जामिनेशन कैंसिल पोस्टपोन नहीं किया गया है। ये थी अपडेट एग्जामिनेशन के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की। तो स्टूडेंट्स आप यहां पे देख लीजिए, टेम्पोररी क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस देयर ऑफ। तो जो फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक की क्लास स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। एंड इस रिलेटेड ऑफिस ऑफ द चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर ने एक नोटिफिकेशन आउट किए और बोला है कि हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम 5 अप्रैल 2021 से लेके। और यहाँ पे ये बोला गया कि हम स्टूडेंट्स का एकेडमिक कैरियर ख़राब नहीं होने देंगे, इसलिए हम जो ऑनलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट करने वाले हैं 5 अप्रैल 2021 से। और यहाँ पे बोला गया है सारे लेक्चरर्स को, टीचर्स को एंड मास्टर्स को यहाँ पे बोला गया है कि वो अपनी अटेंडेंस सबमिट करें थ्रू CEO श्रीनगर ऐप ऑन डेली बेसिस। उनको डेली अपनी अटेंडेंस सेंड करनी है टीचर्स को, लेक्चरर्स को एंड मास्टर्स को CEO श्रीनगर ऐप पे हर रोज़ उनको अटेंडेंस भेजनी है। और यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए हैं वो हुए हैं श्रीनगर में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए हैं। एंड अब बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे फॉर 2 वीक्स, 12th क्लास तक के 1 वीक के लिए एंड 9th क्लास तक के 2 वीक्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार रहिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो अब जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस चैनल पे आपको एजुकेशन एंड जॉब्स रिलेटेड जेन्युइन अपडेट जेन्युइन नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच।